हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज है 25 नवंबर 2018 और आज के वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी पीडीएफ का एड्रेस है, examguruji.in। इस वेबसाइट पे जाके पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले एमपीपीएससी प्री 2019 की टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट से इसको देख सकते हैं। 125 टेस्ट इसके अंदर कुल आयोजित होंगे और बहुत जल्द 495 रुपये में मात्र अवेलेबल है। बहुत जल्द इसकी फीस बढ़ जाएगी, सो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। और आज की वीडियो में मैंने एक चीज और आपके लिए अच्छी की है, वो ये है कि अब हमारे वीडियोस में 10 की जगह 12, 13, 15 तक प्रश्न हो जाएंगे। यानी कि जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे प्रश्नों को हम कवर करने का और प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, भारत दुनिया में सबसे अधिक छुट्टी से वंचित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है। वहीं दूसरा प्रश्न है कि किसने भारतीय सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा परिषद के गठन को मंजूरी दी है? और ये मंजूरी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है, मंत्रिमंडल ने। तीसरा प्रश्न, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश के 4 पूर्वी राज्यों में कितने नए कोयला खंडों का पता लगाया है? और ये 44 नए कोयला खंड पता लगाया है 4 राज्यों के अंदर। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार किस उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव को। और पांचवा प्रश्न, यूनिसेफ ने पूर्वोत्तर के लिए किसे यूथ एडवोकेट नियुक्त किया है? और ये नियुक्त की गई है नाहिद अफरीन। वहीं बात करें छठवें प्रश्न की कि किसने यूएनईपी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? और ये है जायस मसूया, ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि किसने नासी एकोस्पस यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2018 जीता है? तो याद रखिएगा, ये जीता है विमल चंद्र श्रीवास्तव ने। कल इसका नाम गलती से नासा प्रिंट हो गया था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, नासा नहीं नासी है ये। चलिए आठवां प्रश्न है कि ट्रांस बाउंड्री पर्यावरण अपराध का मुकाबला करने के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? और ये पुरस्कार दिया गया है भारत को। और नवा प्रश्न के किसने फोर्ब्स इंडिया की लीडरशिप अवार्ड 2018 जीता है? और इसका अवार्ड जीता है अजीम प्रेम जी के द्वारा। वहीं दसवां प्रश्न के किसने लिन निंग WF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? और ये है लक्ष्य सेन, ठीक है। तो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने कि सरकार ने भारत में किस परिषद को स्थापित करने का फैसला किया है? और इसके बारे में जानकारी दी है सुरेश प्रभु जी ने। और ये है घरेलू स्वर्ण परिषद। ए ऑप्शन सही है, घरेलू स्वर्ण परिषद। अब इसकी डिटेल लिखी आखिर है क्या? पहली चीज, किसने कहा और क्या कहा? यह कहा है वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु। उन्होंने 23 नवंबर को नई दिल्ली में क्या कहा कि भारत में स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया। और वहां कहा कि भारत में घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया है। यानी भारत में घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित की जाएगी। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सीमा के मुद्दे पर भारत और किस देश के बीच में वार्ता का 21वां दौर शुरू हुआ है? तो पहली चीज तो किसके बीच में होगा? भारत के पड़ोसी देशों के बीच में। तो ये शुरू है भारत और चीन के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन सही है, भारत और चाइना। इसकी डिटेल देखिए क्या है। पहली चीज, किस मुद्दे पर और किस देश के साथ ये वार्ता हो रही? तो सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में। इन दोनों के विशेष प्रतिनिधि 21वीं दौर की वार्ता कर रहे हैं और ये शुरू हुई है चेंगड़ू शहर, जो कि दुजियांग यान प्रांत में है चाइना के। अब कौन कौन इस बातचीत में भाग ले रहे हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो भारत के अजीत डोभाल साहब, ये भाग ले रहे हैं। और चीन के विदेश मंत्री और चीन के राज्य पार्षद वांग ही, ये जो इस बैठक के अंदर भाग ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा है युआन, जिसको रेनमिनबी भी कहा जाता है। एक युआन के अंदर 10 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए अब मैप में मैं आपको चाइना दिखाता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है। और हमारे भारत से आप ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर की तरफ जो रेड कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, यही चाइना। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये ग्रेट चाइना वॉल है, ठीक है, चाइना की बड़ी सी दीवार है। इस तरफ देख रहे होंगे ये इसकी राजधानी, यहां पर आप देख पाएंगे ये इसकी राजधानी, यहां पर बीजिंग है। ऊपर रशिया के साथ, इधर मंगोलिया के साथ लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि
किसने नदियों और जलाशयों में वर्षा के कारण जल बढ़ोतरी के स्तर का आकलन करने की एक नई तकनीक विकसित की है, और ये नई तकनीक विकसित की गई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। अब इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या है, ये बता देते हैं आपको। पहली चीज, किसने क्या किया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नदियों और जलाशय उनके अंदर वर्षा के कारण अगर जल में बढ़ोतरी होती है तो उसको आकलन करने की एक नई तकनीक विकसित की। उससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि नदियों और जलाशयों में जो आने वाली बाढ़ है उसका पहले से पता लगाया जा सकेगा। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि राज्य सरकारें वर्षा के प्रभाव पर निगरानी रख सकेंगी और सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगी, और इससे जान माल की हानि में बचत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार ने किसे गैर परिवहन वाहन घोषित किया है, तो ये वाहन है याद रखिएगा, और इसका नाम है क्वाड्री साइकिल। ठीक है, क्वाड्री साइकिल। अब इसकी डिटेल देखिए, आखिर यह है क्या, पहली चीज किसने और क्या किया है, तो भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्वाड्री साइकिल को गैर परिवहन वाहन घोषित कर दिया है। इससे क्या हो जाएगा, अब इसका परिवहन के लिए, ठीक है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इसे व्यक्तिगत तो यूज कर सकेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्वाड साइकिल क्या है, तो ये एक वाहन है जिसका आकार तीन पहिया वाहन के जितना होता है, लेकिन इसमें चार पहिए लगे होते हैं और पूरी तरीके से ढका हो सकता है। यदि आप देख पा रहे हैं, यही है क्वाड्री साइकिल। चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की, कि किस देश ने भारत के लिए विजन, ठीक है, 2035 लॉन्च किया है, तो भारत के लिए लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया का यहां पर जो है फ्लैग दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी डिटेल देखिए, पहली चीज किस देश ने किया और क्या किया, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक विजन दस्तावेज, विजन दस्तावेज क्या होता है, दृष्टि पत्र जिसे हम कह सकते हैं कि हमें जिस देश के साथ ये करना है, तो उसने 2035 तक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार से वो आकार देगा, द्विपक्षीय संबंध कैसे होंगे भारत के साथ, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, और अगले 12 महीने में सर्वेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने पर सहमत भी हो गया है, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया खाद्य भागीदारी, खनन व्यवसाय का विस्तार और अधिक विमानन कनेक्टिविटी, यानी एक दूसरे के यहाँ अधिक विमानों की आवाजाही शामिल है। और ये सर्वे किसने किया, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट है जो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दूत हैं पीटर वर्गीस उनके द्वारा तैयार की गई है, और इस साल के शुरुआत में ये रिलीज की गई थी, और उसी के आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर लगभग 50 या 52 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया दिखा देता हूं, तो ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ मूव कीजिए, और ये जो ऑरेंज कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है यही है ऑस्ट्रेलिया, राइट, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, इसमें बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसकी जो है राजधानी है जिसका नाम है कैनबरा, ठीक है, इसकी राजधानी है, और इस शहर के बारे, इस देश के बारे सबसे खासियत ये है कि इसका जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है वो अधिकतर खाली ही है, मेन जो लोग रहते हैं वो किनारों पर ही रहते हैं, जिससे आप ये देखेंगे यहाँ पर है, ये पर्थ है, सर ये मेलबर्न है, ये सिडनी है, ये ब्रिस्बेन है, ठीक है, तो आसपास से बीच के हिस्से में लगभग लगभग ये खाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न के ये कह रहा है आपसे कि माउंटेन मेडिसिन पर 4 दिवसीय 12वीं विश्व कांग्रेस कहाँ हुई, तो माउंटेन मेडिसिन पर ये 4 दिवसीय 12वीं विश्व कांग्रेस ये नेपाल के अंदर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में आयोजित की गई, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। इसकी डिटेल देखिए क्या है, पहली चीज कहाँ और क्या हुआ, 21 नवंबर 2018 को माउंटेन मेडिसिन पर 4 दिन की 12वीं द्विवार्षिक विश्व कांग्रेस हुई नेपाल के काठमांडू में। कांग्रेस का ये इस बार का विषय था क्या था, हिमालय के दिल में माउंटेन मेडिसिन, ये इस बार का जो है विषय था, माउंटेन मेडिसिन इन द हार्ट ऑफ हिमालयास। अन्य इसकी डिटेल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी फॉर माउंटेन मेडिसिन उसकी प्रमुख घटना नेपाल में पहली बार आयोजित की गई, यानी इसको पहली बार नेपाल में आयोजित किया जा रहा है, विशेष नेपाल के माउंटेन मेडिसिन सोसाइटी द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, तो आयोजनकर्ताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेपाल की बात कर लेते हैं, राजधानी काठमांडू है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है, और 1 इंडियन रुपीज में 1.6 नेपाली रुपया होते हैं। चलिए अब मैं आपको नेपाल मैप में दिखाता हूं,
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत में यहाँ पर देखिए ये है नेपाल। नेपाल बहुत ही सुंदर देश है, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से किस प्रकार पे बसा हुआ है, हिमालय पे बसा हुआ है, हिमालयन कंट्री। आप इस मैप में इसको देख भी पा रहे होंगे अच्छे से। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, राजधानी आपको दिखाई दे रही है, ये काठमांडू है जो इसकी राजधानी है। तीन तरफ तो से तो नेपाल भारत से घिरा हुआ है, और इस तरफ नेपाल की सीमा चाइना से लग जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला आपका प्रश्न आपके सामने है, सातवां प्रश्न, कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 रोजगार दर प्रतिभा गुणवत्ता में कौन सा प्रदेश जो है शीर्ष पर है? तो इसमें जो शीर्ष पर प्रदेश है वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। ये इसकी नई राजधानी बन रही है अमरावती, वहां का ये चित्र है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी डिटेल की। पहली चीज क्या रिपोर्ट है, ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019। उसने कहा है कि आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर, हरियाणा उसके बाद तीसरे नंबर पर है। विशेष क्या है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग स्नातकों के रोजगार के स्तर में वृद्धि हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और सर्वेक्षण कैसे हुआ है, तो ये सर्वेक्षण वीवॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग, इनके द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये इन्होंने सर्वे किया है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन अमरावती उसकी नई राजधानी बन रही है। मुख्यमंत्री कौन है? एम चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल ई एस एल नरसिम्हन, जो कि तेलंगाना के भी संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। बात करेंगे अब हम आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किस राज्य ने गिर एशियाटिक शेरों को बचाने के लिए 351 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है, और यह परियोजना शुरू की गई है गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि गिर एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं, ये गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, और इसलिए गुजरात ने ये परियोजना शुरू की है। अब इसकी डिटेल क्या है, पहली चीज किसने और क्या किया है? तो गुजरात सरकार ने अगले 5 वर्षों में K9 डिस्टेम्पर वायरस प्रकोप के बाद, एक ये वायरस हुआ था जिससे काफी सारे शेरों की मृत्यु हुई थी, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 351 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है। इसमें क्या हुआ किया जाएगा कि गिर क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के निर्माण के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल शामिल है, और क्या किया जाएगा, शेरों के संरक्षण के लिए 120 कर्मियों का विशेष पशु चिकित्सा कैडर भी बनाया जाएगा। तो ये दो चीजें इसमें की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या गुजरात की राजधानी? गांधीनगर है। मुख्य शहर अहमदाबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और राज्यपाल हैं ओपी कोहली। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किस विश्व प्रसिद्ध सितार और सुरबहार वादक का निधन हो गया, और इनका नाम क्या था? तो ये थे इमरत खान साहब। ठीक है, इमरत खान साहब जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब इनकी डिटेल लिखी है क्या? पहली चीज किसका निधन हुआ, तो सितार और सुरबहार वादक 83 वर्ष के उस्ताद इमरत खान साहब, अमेरिका में निधन हो गया। इनके बेटे का नाम है निशात खान, और वो भी मशहूर सितार वादक हैं। किस घराने से संबंधित है, तो इटावा घराने से संबंधित है। अब ये घराना क्या होता है, तो ये आपको बता दूं मैं, घराना एक प्रकार की गायन शैली होती है, संगीतकारों की एक शैली होती है जिसमें विशेष प्रकार से संगीत दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इटावा से थे, व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो जो है उस प्रकार के गायकों से मेल खाता है। विशेष क्या कि उस्ताद इमरान खान ने 1970 में, ठीक है, कांस जो फिल्म समारोह होता है फ्रांस के अंदर, उसमें अपना कार्यक्रम पेश किया था। अब बात करते हैं हम 10वें प्रश्न की कि किस फिल्म निर्माता ने FIAPF पुरस्कार दिया गया, किस फिल्म निर्माता को दिया गया है, और इनका नाम है नंदिता दास। बी ऑप्शन सही है, नंदिता दास, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार है क्या, मैं आपको डिटेल बता देता हूं। पहली चीज किसको दिया गया, क्या दिया गया, तो फिल्म निर्माता है नंदिता दास, इनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा। और कब किया जाएगा, 29 नवंबर 2018 को 12वें एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार के में। विशेष क्या, उन्हें यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिल्मों में उनकी उपलब्धि की मान्यता प्रदान करता है, उसके लिए दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है करंट अफेयर के स्थान पर। किस मुक्केबाज ने छठा विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, तो ये भारतीय मुक्केबाज हैं, ये हैं MC मेरी कॉम।
अब इनके बारे में मैं और भी डिटेल आपको बताऊंगा जो आपको इंस्पायर करेंगी, बहुत ज्यादा बर्निंग इंस्पायर करेंगी कि कोई व्यक्ति ना सिर्फ शिखर पे पहुंचता है बल्कि कैसे, कितनी कड़ी मेहनत के बाद शिखर पर बना रहता है। पहली चीज किसने किया और क्या किया, तो एमसी मैरी कॉम ने नई दिल्ली में 2018 AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और 6 मुक्केबाजी विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास बनाया। विशेष क्या, पहली महिला पहली विश्व चैंपियनशिप जीतने के 16 साल बाद, ये एक बड़ी बात है कि 16 साल बाद, एक बहुत लंबा समय हो जाता है उसके बाद भी इन्होंने ये खिताब जीता है। और अंतिम खिताब जीतने के 8 साल बाद, अंतिम विश्व चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने कब जीता था, इन्होंने 8 साल पहले जीता था। उन्होंने आयरलैंड के कैटी टेलर को 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज के रूप में पीछे छोड़ दिया और फेलिक्स सवोन के बाद उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पगेलिस्ट बन गई है। पगेलिस्ट यानी कि महिला या पुरुष जो कि मुक्केबाज होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि अपोलो टायर्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये पहली बार हो रहा है किसी बड़े चेहरे को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपोलो टायर्स ने नियुक्त किया है, और यह सचिन तेंदुलकर। डी ऑप्शन सही है, सचिन तेंदुलकर। इनकी डिटेल देखिए क्या है, पहली चीज किसने और क्या किया है, तो अग्रणी टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स, उसने क्रिकेट के आइकॉन, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 5 साल की अवधि के लिए, कितने समय के लिए, 5 साल की अवधि के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और विशेष क्या कि यह पहली बार है कि कंपनी ने अपने ब्रांड के चेहरे के रूप में एक सेलिब्रिटी के साथ खुद को जोड़ा है, इससे पहले इसने नहीं जोड़ा था। अन्य और ये क्या कंपनी क्या करती है कि अपोलो टायर जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड और जर्मन फुटबॉल क्लब है बोरुसिया मोनचेन ग्लाबेक, इसके अलावा इनको भी इन प्रायोजित करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की आपके सामने ही, अंतिम प्रश्न भी है कि किन वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित नो मूविंग पार्ट्स के साथ दुनिया का पहला आयन ड्राइव विमान बनाया गया, तो ये प्रोटोटाइप बनाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी टेस्टिंग की गई है और ये MIT में की गई है। ठीक है, MIT, MIT क्या है इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहली चीज किसने क्या किया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, यूएसए में। यूएसए में इस प्रकार की चीजें बहुत की जाती हैं, वहां पर इनोवेशन पे बहुत काम किया जाता है, भारत में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यूएसए में शोधकर्ताओं ने पहला आयन ड्राइव विमान बनाया है जो अंतरिक्ष में पहले इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जो है उसको अनुकूलित करके आगे बढ़ाता है, यानी इस प्रकार की तकनीक अंतरिक्ष में पहले स्थापित यूज की जाती थी। इससे क्या होगा, इससे चलते भागों की अनुपस्थिति के कारण इसमें क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है ना, दो जो घिसाते हैं भाग, जो घिसाव होता है वो कम हो जाएगा, उससे विमान किसी भी हानिकारक निकास का उत्पादन नहीं करेगा, रख रखाव की लागत कम हो जाएगी और विमान कोई शोर नहीं करेगा, तो ये बड़ी बात है। चलिए अब बात करते हैं इसकी अन्य चीजें क्या है कि आयन ड्राइव का उपयोग 1960 के दशक में अंतरिक्ष यान में किया गया है। चलिए तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न, आई होप कि आपको ये बदलाव सार्थक लगा होगा, पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।